ये जो है निधिवन है, अब हम निधिवन पे आ चुके हैं। ये वही निधिवन है जहाँ बताते हैं कि रोज रात को कृष्ण भगवान आते हैं और आशीर्वाद रखते हैं, पान बीड़ा खाते हैं, हर रोज आते हैं। जबकि उस मंदिर को रात में बंद कर दिया था, और यहाँ रात में इस मंदिर में कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि कोई जानवर तक नहीं रहता है। ये वो निधिवन है, आइए मैं आपको निधिवन के दर्शन कराता हूँ। देखिए ये निधिवन का निकास द्वार है और ये निधिवन का प्रवेश द्वार है। जब बंदों को मार कर दिया हो, ये निधिवन है जहाँ बताते हैं कि पेड़ तक रात में, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये पेड़ भी रात में जो है डांस करते हैं। बंदर हैं बंदूक सुरक्षा के वजह से ये जाली लगाई गई, पहले जाली नहीं थी। यहाँ से मिट्टी लेना सख्त मना है, मिट्टी। यहाँ के पेड़ों की जड़ों की मिट्टी भी नहीं ले सकते हैं आप, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है कि पेड़ जो है रात में जो है जिंदा हो जाते हैं और खूब चलते फिरते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब हम जो है शीघ्र ही निधिवन के उस मंदिर में पहुंचने वाले हैं जहां भगवान श्री कृष्ण रात में आते हैं, पान का बीड़ा खाते हैं, नीम की दातून करते हैं और लड्डू खाते हैं। और जल्दी हम वहां पहुंचने वाले हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया बाकी बिहारी लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। लीजिए हम उस मंदिर में आ चुके हैं, यही वो मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण रात में आते हैं रोज। इसलिए रात में यहाँ पर जो है इस मंदिर में ताले लग जाते हैं, कोई भी नहीं रहता, एक जानवर तक नहीं रहता है यहाँ पर। बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। अब हम उस मंदिर में चल रहे हैं जहाँ भगवान जी ने रात में आके लड्डू खाए, पान का बीड़ा खाया, सारा श्रृंगार रखा जाता है भगवान जी का, ठीक है। रात में जरूर आते हैं, हर रात आते हैं, जिसे कहते हैं रंग महल। ये निधिवन की सेवा देखिए, रंग महल में सैया सेवा, सही मंदिर की पोशाक सेवा, नित्य भोग त्रिगुलाब सेवा, निधिवन की, ये है वो मंदिर, यही है वो मंदिर, यही वो मंदिर है जहाँ रात में भगवान कृष्ण आते हैं, पान का बीड़ा खाते हैं और जो है लड्डू खाते हैं, नीम की दातून करते हैं। कितनी भीड़ है यहाँ पर, तुम्हारे देख सकते हैं आपको, किसी को दो तीन सेकंड से ज्यादा रोका नहीं जा रहा है, इतनी भीड़ है। और ये निधिवन के दर्शन करने के बाद हम जो है प्रेम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।